ईद उल अजहा पर परदेसियों की फटाफट घर वापसी, लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मैंने जाना मर्दान हफ्ता डेढ़ पहले जो है 900 रुपया किराया था, अब जो किराया बढ़ चुके 1000 रुपया किराया, 100 रुपया किराया उन लोगों ने बढ़ा दिया है। अब समझ नहीं आ रहे कि मजदूर आदमी और परदेसी आदमी क्या करेगा लाहौर में। सरगोधे का 500-600 रुपया किराया ले रहे हैं, ये ज्यादा बहुत ज्यादा है। छोटी ईद पे 800 रुपया किराया था, अभी बढ़ा दिए 200 रुपया बढ़ा दिए, अभी 1000 रुपये ला। डाकू भी ईदी मुहिम पर निकल पड़े, शहर में 3 घंटों में 10 से ज्यादा वारदातें, कहीं घर का सफाया तो कहीं सरे बाजार शहरियों को लूट लिया गया। मजाहमत पर डाकुओं ने खातून को मार डाला, यके बाद दीगरे वारदातें बढ़ने से शहरी खौफ में मुब्तला। बड़ी ईद है अब बड़ी ही करीब, मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम, उमड़ आया सस्ते और खूबसूरत जानवरों की तलाश, भावताओ उरूज पर। सोशल मीडिया पर भी जानवर खरीदारी की सहूलत मौजूद, रंग नस्ल वजन और कीमत पसंद करें, ऑनलाइन ऑर्डर बुक कराएं। ईद पर चाकू छुरियां तेज करवाने का कारोबार भी तेज, शहरियों का जानवर जिबह करने के लिए छुरियां तेज कराने के लिए रश, दुकानदारों ने भी रेट बढ़ा दिए। कुर्बानी के गोश्त के लवाजमात, सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर, 1 किलो टमाटर के लिए 1 लाल नोट दरकार, अदरक की डबल सेंचुरी, लीमू 120 रुपए, सब्ज मिर्च 90 रुपए फी किलो में फ्रोक। शहर की सफाई सुथराई, बड़ी ईद पर बड़े इंतजाम, 299 यूसी कैंप, 116 आरजी ट्रांसफर स्टेशन कायम, शहर में 21 लाख वेस्ट बैग तकसीम। ईद उल अजहा पर शहर को साफ रखने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं, मेयर लाहौर और चेयरमैन LWMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला इंतजामिया ने ईद के आयाम में कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठा करना शुरू कर दी, 245 एनजीओज को इजाजत मिल गई, एनजीओज की सख्त स्क्रूटनी के बाद इजाजत दी गई, डिप्टी कमिश्नर। लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन की ईद की खुशियां फीकी, कंपनी का तमाम फील्ड स्टाफ तनख्वाह से महरूम, पंजाब पुलिस में रीजन बदर और जिला बदर होने वाले इंस्पेक्टर्स को भी ईद पर तनख्वाहें ना मिल सकी, वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन को 7 माह बाद ईद पर भी तनख्वाह ना मिली। चिड़िया वाले बाबा उड़ान भर गए, नजम सेठी मुस्ताफी, वजीर आजम ने एहसान मानी को चेयरमैन PCB नामजद कर दिया, इमरान खान कहते हैं चेयरमैन PCB के लिए आईनी तरीकाकार के मुताबिक चलेंगे, एहसान मानी को इलेक्शन लड़कर चेयरमैन PCB बनना होगा, जो जिम्मेदारी दी गई उसे दयानतदारी से निभाऊंगा, एहसान मानी का कप्तान की उम्मीदों पर पूरा उतरने का। क्रिकेट में तब्दीली की हवा, मजीद अफसरान उड़ाने की तैयारी, नजम सेठी के बाद PCB के 4 मजीद अहदेदारों को फारग किया जाएगा, नायला भट्टी, अमजद भट्टी, खयाम कैसर और ओम जैदी को अहदों से हटाने का फैसला। तख्ते पंजाब पर कप्तान का खिलाड़ी काबिज, वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार ने अहदे का हल्फ उठा लिया, तकरीब में आला सिविल अस्करी हुकाम और PTI रहनुमाओं की शिरकत, बोले इमरान खान का सिपाही हूँ, दयानतदारी से काम करूंगा, कभी गलत काम किया ना किसी को करने दूंगा। निगरान वजीर आला हसन अस्करी ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया।
नए वजीर आला ने हल्फ उठाया, साबिक वजीर आला की नैब में पेशी। पंजाब कंपनी स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ नैब दफ्तर में पेश। तहकीकाती टीम की एक घंटा 40 मिनट तक साबिक वजीर आला से पूछगिछ, सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खातून की बच्चों समेत खुदसोजी की कोशिश, पुलिस अहलकारों ने बरवक्त बचा लिया। घर से कब्जा छुड़वाया जाए, खातून का मुतालिबा। पुलिस और दीगर सरकारी महकमों के सताए लोगों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर रश लगा रहा एहतजाज, चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील की। वफाकी काबीना में नुमाइंदगी न मिलने पर अकलियती बरादरी का इजहार तशवीश। सेंट मैरी चर्च में कौमी कमीशन बराए बैनुल मजाहब का इजलास। मरकजी सेक्रेटरी जनरल फादर फ्रांसिस नदीम ने कहा, इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में अकलियतों को नजरअंदाज किया, नए पाकिस्तान में अकलियतों को भरपूर हुकूक देने का मुतालिबा। मॉल रोड कोऑपरेटिव दफ्तर में आतिशजदगी, हादसा या साजिश, तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। आग रिकॉर्ड रूम में ही क्यों और कैसे लगी, कमेटी जायजा लेगी। सुंदर में 3 नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। 40 साल फरियाद को बाजू, टांग पर गोली लगी, अस्पताल मुंतकिल। फरियाद जमीनों से वापस आ रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। मॉडल टाउन मोड़ के करीब फलों से भरा ट्रक वाटर बाउजर से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 6 मजदूर जख्मी। रेस्क्यू अहलकारों ने कटर से ट्रक को काटकर ड्राइवर और हेल्पर को निकाला, जबकि जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब से मिला है दिल तेरे दिल से, इश्क खताएं हो गई हमसे। तू बाहों में समेट ले कुछ इस तरह, मिटा दे सभी दूरी जो है दर मेरा। महीवे मैनू रंग दे, तू इश्क च रंग दे। और राहत फतेह अली खान और सुंबल खान का ईद के लिए नया गाना तैयार। राहत फतेह अली खान और गुलकारा सुंबल खान ने मिलकर गाने में जादू जगाया। वीडियो रिकॉर्डिंग हुंजा, गिलगित और नथिया गली में की गई।